तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये अपना पूरा फिटिंग। चुका है ये है W4। क्या हुआ था कि भैया प्रॉब्लम ये थी कि ये हिल रहा था जिसने पहले लगाया था, तो एक जो इसका पार्ट होता है ओरिजिनल का वो कट के ही अंदर लगता है जिसमें ये पूरा फिक्स होता है। अब ये बिल्कुल हिल नहीं रहा है और जो हमारा फ्रेम है वो ये देख सकते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो चुका है। अभी जैसे मैंने इसमें सिस्टम था भैया का ही ऑलरेडी पहले वाली गाड़ी में लगा रखा था, तो ये हमने इसमें लगा दिया है। ये है TS7 मॉडल, ये देख सकते ये ट्यूब हो गया। ये फुल्ली इनडोर म्यूजिक सिस्टम है, जैसे कि मैं भी दिखाऊँ इसका, एक सेकंड हो गया। नहीं, यूट्यूब चलाने की ज़रूरत नहीं मुझे। जैसे कि इसमें एक बार आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ, ये है फोर साइड IPS LED स्क्रीन है। आप किसी भी एंगल से देखोगे तो क्लियर ही दिखाई देगा, ये रहा। और इसका जो AC का है वो भी पूरा वर्क कर रहा है, कोई भी बटन रुक नहीं रहा है इसका, AC का हर चीज़ वर्क कर रही है। बस ये पूरा वर्क कर रहा है, तो ये भी ओके हो गया अपना। ये AC का विलोर सब चल रहा है, और हमारा जो इंडिकेटर का था ये भी पूरा बिलिंग कर रहा है। ये ऑफ लोड स्टॉप करके है कुछ, स्टार्ट एंड स्टॉप, ठीक है। तो ये पूरा अपना वर्क करा। अभी जैसे मैं बैक गेट डालता हूँ इसमें, एक बार भैया बैक गेट डाल देना। ये जो कैमरा लगाया है ये है AHD कैमरा है, वाइट एंगल। आप देख सकते हो ये वर्कशॉप है, उधर एक गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो इधर देखो ये वर्कशॉप है। हमारी गाड़ी से काफ़ी अलग है, जो मशीनें रखी हैं वो गाड़ी से बहुत अलग हैं। तो देख सकते हो पूरी गाड़ी के अंदर। सब्सक्राइब कर दो यार, आप नहीं चाहते कि आपका देसी भाई भी आगे बढ़े। हाँ भाई, मानते हो ना, तो आप सब्सक्राइब कर देना, और लाल कलर को बटन को दबाने के बाद उस घंटी बटन को भी दबा देना, ठीक।